नवरात्रे चल रहे हैं, ये जो नौ देवियां हैं, ये शक्ति, बुद्धि, प्रेम, विद्या, धन, आध्यात्मिक शक्ति और अनेकों जो मानव की जरूरत से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवियां उनका प्रतीक है कि मानव को सब की सब वस्तुएं प्रदान कर दी जाएं, शक्ति से लेकर के ज्ञान तक, सांसारिक वस्तुओं से लेकर के और आत्मज्ञान की प्राप्ति उनका प्रतीक। प्रत्येक देवी का अपना महत्व है, प्रत्येक देवी का अपना स्थान है। कुछ लोग तुलना करते रहते हैं, काली बड़ी, शेरा वाली बड़ी, लक्ष्मी बड़ी है, सरस्वती बड़ी है, गौरी बड़ी है या शेरा वाली बड़ी है। इस प्रकार से तालमेल कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि नहीं हमारे वाली देवी बड़ी है, इन देवियों से 51 शक्ति पीठ बने और उन शक्ति पीठों के अंदर से अनेक जगह इन देवियों ने अपने आप को स्थापित यानी विस्तार कर लिया देश और विदेशों के। तो जो वो ताकत है, जो विराजमान है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल नहीं हो। हम इन नवरात्रों को मात्र व्रत मान लेते हैं, नौ दिन व्रत करना है और दसवें दिन कन्याओं को बुलाए, दापन कर दिया और भोजन वगैरह बांट दिया और भोजन कर लिया, फिर संसार में आ गए। ये नौ दिन साधना के लिए, ये नौ दिन तपस्या के लिए होते, ये नौ दिन एकाग्रता के लिए होते, ये नौ दिन चक्रों के लिए कि हर दिन एक चक्कर भी चढ़ेंगे तो कल्याण हो जाए। ये नौ दिन अगर हम अच्छी तरह से इनका सदुपयोग करें, पूरा अपना समर्पण करें, एकाग्रता के साथ, भाव के साथ, और जो साधना जो हमारा लक्ष्य है उसको निर्धारित करके, सांसारिक वस्तुओं की ओर ध्यान ना करके, अपने मन और विचारों को कंट्रोल करते हुए, अपने ऊपर पकड़ रखते हुए, भोजन से लेकर के, ये नहीं कि आपने भोजन का तो त्याग कर दिया, मन में ये चल रहा हो बस दो दिन और बाकी, दो दिन के बाद बस फिर खाना शुरू हो जाए, फिर दो दिन के बाद मुझे भोजन मिल जाएगा, उससे अच्छा है आप आज ही, यानी जो भी कार्य करो मन के साथ करो, ये नहीं कि मन कहीं पड़ा है, आप कहीं हो और साधना कहीं, तो न विचारों का तालमेल होगा, न कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे, न आपको हासिल होगा, बस मात्र शरीर को थोड़ा सा लाभ होगा लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा।
अगर आपको आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो इन सब व्रतों के साथ आपको तालमेल अपना बनाना ही होगा, अपना जो रूटीन है वो सुधार करना ही होगा, आपको साधना करनी ही होगी। जब आप इतना कर रहे हो तो दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे साधना के लिए विशेष रूप से निकाले, चाहे सुबह निकाले चाहे शाम को निकाले, किसी भी समय निकाले। जब तक आप साधना नहीं करोगे तब तक इस व्रत का अक्षणिक मात्र लाभ ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको साधना के साथ जोड़ दोगे, नाम के साथ जोड़ दोगे, आपको शक्तियां भी प्राप्त होंगी, आपको इसका प्रभाव भी पता चल जाएगा, आपको ज्ञान का मार्ग भी पता चल जाएगा, आपको इसकी ताकत का अंदाजा भी पता चल जाएगा, आपको अनुभव भी होने लगेंगे, आपको ये चीजें दिखाई भी देने लगेंगी, आपको ये माता के अनेकों रूप इनका भी अनुभव होने लगेगा, क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत है, ये तो रास्ते में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब साधना करोगे ये आपके सहायक, आपके मार्ग में बाधक नहीं, ये आपके, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने आपके मार्ग को खोलने के लिए, सरल बनाने के लिए, इन शक्तियों के लिए, इन शक्तियों की प्राप्ति के लिए, आपके जीवन की मदद के लिए, इन शक्तियों को देवियों का रूप दे करके और आपके जो समझने की ताकत थी और जो आपके वैचारिक ताकत थी और जो आपकी जीवन का जो खेल था और जो आपका जीवन है उसको बहुत सरल बना। जब आप इसको समझोगे, आपको पता चलेगा, तो आप बिना ध्यान किए, बिना सुमरण किए नहीं रह पाओगे। तो आप इन नवरात्रों का लाभ उठाते हुए ध्यान की ओर, सुमरण की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें।